हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन, इट मींस समाकलन। अगर मैं सिंपल से वर्ड में बात करूं तो आज अपन लोग सीखेंगे समाकलन, मतलब एक तरीके से जोड़ना। इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक, अपन लोगों ने डिफरेंशिएशन पे बात करी थी, जिसमें अपन लोगों ने क्या देखा था, डिफरेंस पे बात करी थी, चेंज पे डिस्कस करा था कि एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल किस तरीके से चेंज होता है, और चेंज क्या था आप लोगों के पास, वेरी स्मॉल। यहां पर अपन क्या सीखेंगे, समअप करना सीखेंगे, जोड़ना सीखेंगे। अरे बस समझ आप सभी को, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन है अपन लोगों के पास, इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स ऑपरेशन, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि समाकलन, समाकलन अवकलन का प्रतिलोम, प्रतिलोम समकारक है। आई बस मैं, इसमें जो समाकलन है वो अवकलन के जस्ट क्या चलेगा, अपोजिट चलेगा, विपरीत चलेगा। ठीक है ना, इसको इस तरीके से देखते हैं। सपोज आप लोगों को दे दिया, ठीक है ना, देखना आप लोग, अपन अपने पास होता था y इक्वल टू एफ एक्स होता था कि नहीं होता था, ठीक, और अपन इसका क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, अवकलन करते थे, किस तरीके से, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ऐसी कंडीशन पर जब अपन यहां पे d अपॉन dx करते थे, d अपॉन में dx करते थे, किसका, fx का, यही तो करते थे ना। अभी जो d अपॉन में dx होता है, आपको पता लग जाना चाहिए कि d अपॉन में dx जब भी आएगा, इसका मतलब अपन लोग वहां पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन मतलब वहां पर अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, आई बस में। और वो अवकलन अपन लोगों के पास, अपन लोगों ने मान लिया कितना है, एफ डैश एक्स आया, ठीक है ना, मैंने एफ एक्स, ठीक है, जो मेरे पास एफ एक्स है उसका डी अपॉन में डी एक्स करा, इट मींस डिफरेंशिएशन करा, अवकलन करा, तो मेरे पास क्या आया, एफ डैश एक्स आया। तो फैक्ट है इनवर्स है, कौन, इंटीग्रेशन, किसका इनवर्स है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहां पर, आप देखना, एफ डैश एक्स का अब मैं इंटीग्रेशन करता हूं, बहुत ध्यान से देखना, जब भी आप डी अपॉन में डी एक्स देखोगे तो आप समझ जाओगे कि डिफरेंशिएशन या अवकलन, तो फैक्ट है इंटीग्रेशन का भी कोई साइन होगा। तो इंटीग्रेशन का साइन होता है कि सपोज अगर आपके पास एफ डैश एक्स है और आपका इंटीग्रेशन, अब यहां पे एक्स से मैं यहां पे क्या लिखूंगा, डी एक्स, तो इंटीग्रेशन का साइन क्या हो गया आप लोगों के पास, इस तरीके से ये, और यहां पर आपके पास एक्स है इसलिए मैं किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, डी एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा, इक्वल टू जब आप एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोगों के पास वापस क्या जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा आप लोगों के पास वापस, एफ एक्स, मतलब देखो बहुत ध्यान से सुना, जब मैंने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करा तो मेरे पास कौन आया, एफ डैश एक्स। और अभी अपन लोगों ने बोला कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है, समाकलन है, वो एक तरीके से क्या है, इनवर्स ऑपरेशन है, किसका, डिफरेंशिएशन का। इट मींस यही तो हुआ कि अगर मैं एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस उल्टा चल रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, एफ एक्स मिल जाना चाहिए, तो मेरे को यहां पे क्या मिल जाएगा, एफ एक्स प्लस, मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस सी, और सी मेरे पास क्या होगा, कोई एक कॉन्स्टेंट होगा, कोई भी एक नियतांक होगा। आई बात समझे आप सभी को, ठीक। तो इस तरीके से अपन लोग इंटीग्रेशन पे क्या करते हैं, बात करते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो एक तरीके से डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या होता है, इनवर्स ऑपरेशन होता है, ठीक है, प्रतिलोम संकारक होता है। आई बात समझे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, होगा देखना बाप, अब अपन लोगों के पास जो ये इंटीग्रेशन होता है ना, ये दो तरीके के अपन लोगों के पास होते हैं, एक आप लोगों के पास होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसको अपन क्या बोलेंगे, अनिश्चित समाकलन, अपन इसको अनिश्चित समाकलन, और एक अपन लोगों के पास होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन,
जिसको अपन क्या बोलेंगे, निश्चित समाकल, निश्चित समाकल। अब मेरे पास सपोज दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। यदि y इक्वल टू एफ एक्स, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ऐसी कंडीशन पे जब मैं बात करूंगा किस पे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे, तो ऐसी कंडीशन पे अब इसको किस तरीके से करूंगा, इंटीग्रेशन का साइन, देखो यहां पे x है ना, तो यहां पे क्या लिखूंगा dx, और किसका करना है y का, तो इंटीग्रेशन करूंगा किसका, y dx। अब y की वैल्यू पुट करो आप लोग, तो y की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपके पास, ये जाएगा आपके पास fx dx, ठीक। और जब fx dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो सपोज मेरे पास कितना आया, fx आया, कितना है मेरे पास fx, और साथ में मैं क्या लगाऊंगा, प्लस सी लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा साथ में, प्लस सी। अब जो ये प्लस सी होता है आप लोगों के पास, ये एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या होता है आप लोगों के पास, कांस्टेंट होता है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई भी नियतांक आप लोगों के पास ये हो सकता है। तो इस तरीके से अपन नॉर्मली क्या करते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और यही चीज जब मैं बात करूंगा निश्चित, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब अब जो मुझे इंटीग्रेशन करना है एकदम डेफिनेट करना है, ठीक, तो निश्चित करना है, तो ऐसी कंडीशन पे जब भी अपन अब यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे किसका, fx dx का। अब ना यहां पे अनिश्चित समाकल मतलब ये जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना, और एक ये जब बात करूंगा डेफिनेट के लिए, तो डेफिनेट के लिए जब भी बात करोगे तो देखो यहां पे कौन है, x, मतलब जो भी करना है मुझे वेरिएबल वहां पे x है, तो फैक्टर में क्या करूंगा यहां पे लिमिट लगाऊंगा कि सपोज जो वैल्यू हो रही है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, एक्स वन इक्वल टू ए से, और मुझे कहां तक इंटीग्रेशन करना है, एक्स टू इक्वल टू बी तक। अरे उसमें तो आप देखो यहां पर मैंने इंटीग्रेशन को फिक्स कर दिया, ठीक है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा के, तो ऐसी कंडीशन पे ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या जाएगा, ये हो जाएगा लोअर लिमिट और ये हो जाएगा आप लोगों के पास अपर लिमिट। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, अब आप देखो यहां पर इंटीग्रेशन फिक्स नहीं, आप कहीं से भी कहीं तक कर सकते हो, लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन फिक्स है कि आपको लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में ही करना है, जो करना है बस में यहां से स्टार्ट करना और कहां खत्म कर देना है आपको, यहां पे खत्म कर देना। तो यहां पर अपन लोगों ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि आपको इंटीग्रेशन जो करना है यहां से लेके यहीं तक ही करना है। तो इस तरीके का जो इंटीग्रेशन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, बस में निश्चित समाकलन बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स लिखते थे, लेकिन अब आप देखना बोल, अब मैंने यहां पर लिमिट लगा रखी है ए टू बी, तो मैं इस तरीके से ब्रैकेट लगाऊंगा, लोअर लिमिट को नीचे लिखूंगा और अपर लिमिट को ऊपर लिखूंगा। अब यहां पे प्लस सी नहीं लगूंगा क्योंकि यहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो एकदम डेफिनेट आएगी, एकदम निश्चित आएगी। आई बस में तो आप देखना, तो अब ये हो गया एफ एक्स लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, तो आप इसको और सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखना आप लोग, ये हो जाएगा आप लोगों के पास एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। अब आप इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले ऊपर, अब ये a और b किसकी वैल्यू है, x की, f तो वैसा तो वैसे जाएगा, तो सबसे पहले अपर लिमिट और x की जगह कितना जाएगा b माइनस, फिर उसके बाद f और फिर लोअर लिमिट की जगह आप लोगों के पास यहाँ पे कितना जाएगा b। तो ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये होता है आप लोगों के पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट फिक्स नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक लिमिट फिक्स होगी कि आपको इंटीग्रेशन यहां से और यहां तक इसी के बीच में करना है। आई नहीं एक बार समझ में आप सभी को, देखो एक बार जल्दी से, ठीक है, एक एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है ना सर, आप तो एग्जांपल से एक्सप्लेन करो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखना आप लोग, पहले तो ये चीज समझ में आएगी नहीं आप लोगों को, ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, आप अपने पास, अब अपन को पता तो लग जाए ना कि मेरे पास दो तरीके के इंटीग्रेशन है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है और एक मेरे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो देखना आप सब, सबसे पहले मैं फर्स्ट बेसिक फॉर्मूले पे बात करता हूं, फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला वही y इक्वल टू x की पावर n। अरे यार, अब आप देखो जब अपन d अपॉन में dx करते थे किसका, x की पावर n का, याद कर लो, तो आप क्या करते थे, जो भी पावर है उसको आगे लेके आते थे टोटल पावर में से एक पावर माइनस कर देते थे, डिफरेंस लेके नहीं है, तो जो भी पावर है आगे लेके और टोटल पावर में से एक पावर क्या कर दो, माइनस कर दो, ये तो डिफरेंशिएशन होता था। अब आप इंटीग्रेशन देखना, ठीक, दोनों बताऊंगा एक साथ, डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों पर एक साथ बात करेंगे, पहले वही इंटीग्रेशन y dx,
y की वैल्यू पुट करो यहां पे, ऐसे कंडीशन पे इंटीग्रेशन x की पावर n dx। आई बस अब देखो यहां पे मैंने कोई लिमिट फिक्स नहीं कर रखे, इट मींस ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इट मींस अनिश्चित समाकलन। अब आपको ध्यान से देखना इंटीग्रेशन क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ये बोलता है कि जो भी पावर है, बहुत ध्यान से सुना, जो भी आपके पास पावर है उस पावर में एक पावर के एक क्या करो ऐड करो, आपके पास जो भी पावर है उसमें एक ऐड करो और टोटल पावर, अब टोटल पावर कितनी होगी एन प्लस वन, तो एन प्लस वन से क्या कर दो डिवाइड कर दो। अगली बात समझा आपको, आपके पास जो भी पावर है उसमें एक ऐड करो और अब टोटल पावर कितनी होगी एन प्लस वन, उस टोटल पावर से फिर आप क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो जाएगा एन प्लस वन। अभी इनडेफिनेटली यहां पे क्या लगाऊंगा मैं, प्लस सी लगाऊंगा। तो ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन हुआ, ये मेरे पास एक तरीके से कौन सा इंटीग्रेशन हुआ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ, इट मींस अनिश्चित समाकलन हुआ। लगा बात समझ में आई नहीं हम लोगों को। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं डेफिनेट के लिए, तो मैं क्या करूंगा लिमिट लगाऊंगा, सपोज मैंने लिमिट लगा दी ए टू B, ठीक है ना, x1 इक्वल टू तो मैंने ले लिया a और x2 इक्वल टू मैंने ले लिया b, और ये हो जाएगा x की पावर n dx, x की पावर n dx। अब इंटीग्रेशन क्या बोलता है, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करो और उसी पावर से आप क्या कर दो टोटल पावर से डिवाइड कर दो, तो x में n प्लस वन अपॉन में कितना हो जाएगा n प्लस वन हो जाएगा आपके पास। अब यहां पर c नहीं लगाऊंगा, ठीक है, यहां पर तो आप लोगों के पास एक आर्बिट्रेरी क्या होता है कॉन्स्टेंट आता है। अब आपको ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो a और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी b, तो अब x की जगह सबसे पहले किसको रखेंगे अपन, b को, तो हो जाएगा b n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन माइनस, फिर किसको रखेंगे a, a n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। तो ये जो आप लोगों के पास इंटीग्रेशन होगा, ये कौन सा इंटीग्रेशन होगा आप लोगों के पास, ये इंटीग्रेशन होगा आप लोगों के पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। आई बात समझ आप सभी को, तो यहां पे आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो तो कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी, यहां पे तो आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो अभी भी, और आप कुछ भी लेके आ सकते हो, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं इनडेफिनेट अनिश्चित समाकलन। और यहां पे जो वैल्यू फिक्स हो गई फिर वो फिक्स हो गई, फिर वो चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल करके देखें एक बार, तो देखना आप लोग, एक एग्जाम्पल अपन लोग करके देखते हो, ठीक, सपोज आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू कितना आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर, इसका पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, फिर अपन इसका क्या करेंगे उसके बाद अपन इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। अगली बात समझे आप सभी को, तो आप बहुत ध्यान से देखना, मैं अभी यहां पे क्या करूंगा इंटीग्रेशन का साइन ये है और y और x है, ये हो जाएगा y और किसके रिस्पेक्ट में dx हो जाएगा, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे कितना जाएगा x स्क्वायर dx हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, ठीक। अब आपको ध्यान से देखना इंटीग्रेशन क्या होता है, आपके पास जो भी पावर है उस पावर में एक पावर क्या करें आप एड करें और टोटल पावर से क्या कर दें डिवाइड कर दें, और प्लस c क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो आप लोगों के पास जो वैल्यू जाएगी वो कितना जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में थ्री प्लस सी। आई बात समझ में आ सबको, तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या कर सकते हैं, यहां पे एक्स की कोई सी वैल्यू रख सकते हैं, तो एक डेफिनेट वैल्यू नहीं है अपने पास, इसलिए अपन इसको क्या बोला इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। यहां देखना, यहां पर मैंने लिमिट फिक्स कर दी कि एक्स वन इक्वल टू वन से एक्स टू इक्वल टू टू तक मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो आप लोगों के पास यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन क्या बोलता है, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करो टोटल पावर से क्या कर दो डिवाइड कर दो, फिर उसका लिमिट लगाओ, लिमिट किस तरीके से लगाओगे, ब्रैकेट लगा के लोअर लिमिट लोअर अपर लिमिट अपर ऊपर की तरफ। आई बस में अब एक्स की जगह किसको पुट करोगे, क्योंकि यहां पर तो पुट कर ही नहीं सकते, तो वैल्यू है, और एक्स की जगह पहले किसको रखेंगे टू को, हो जाएगा टू, या फिर स्पेशल लिखो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में थ्री, और ये लिमिट हो जाएगी यहां पर वन से लेके टू। आई बस में अब सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो कितना जाएगा टू क्यू अपॉन में थ्री माइनस, और कितना जाएगा आप लोगों के पास वन क्यू अपॉन में थ्री, तो आप लोगों के पास ही कितना जाएगा एट अपॉन में थ्री माइनस वन अपॉन में थ्री, तो आप लोगों के पास आंसर कितना जाएगा सेवन अपॉन में
थ्री। अब अगर तो सेवन अपॉन में थ्री एक डेफिनेट वैल्यू आएगी नहीं, क्या उसमें किसी तरीके का कोई चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। आई बात समझ में आप सबको? अब इसको अपन बाद में, ये तो बस इतना ही है, ठीक है ना, फिर भी अपन इससे रिलेटेड आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे और भी करेंगे। और अपन जो भी बात करेंगे किस पर बात करते हैं, अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पर बात करते हैं। डेफिनेट में क्या जाता है, लिमिट लगा देनी है बस अपन को। आगे बात सुन में नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, अगर सपोज आप लोगों को दे दिया जाए वाई इक्वल टू रूट एक्स, क्या देते जाए आप लोगों को y इक्वल टू रूट एक्स, तो आप क्या करोगे इंटीग्रेशन रूट एक्स डीएक्स करोगे कि नहीं करोगे? ठीक, तो ऐसी कंडीशन तो आप क्या करोगे, अब रूट को क्या लिख सकते हो, वन बाई टू डीएक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अब इंटीग्रेशन क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ये बोलता है कि जो भी पावर हो उसमें एक ऐड करो और टोटल पावर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो वन बाई टू प्लस वन अपॉन में कितना जाएगा, वन बाई टू प्लस वन हो जाएगा, और साथ में क्या लगाएंगे, प्लस सी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस आप प्लस वन, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू, और नीचे भी कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू प्लस सी। अब देखो अपॉन में भी अपॉन हो जाता है तो टू की तरह जाएगा ऊपर, तो आपके पास कितना जाएगा, टू एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन में थ्री प्लस एक्स हो जाएगा, तीन हो जाएगा। आई बात समझा आप सभी को? ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग, नेक्स्ट देखो आप लोग, ठीक ना, एक मैं ले लेता हूं y इक्वल टू वन अपॉन में रूट एक्स, तो ऐसी कंडीशन पे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं इसको आप लोग, इंटीग्रेशन करता हूं मैं वन अपॉन में रूट एक्स डीएक्स का। ठीक, तो आप क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन वन अपॉन में x की पावर वन बाई टू डीएक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, x की पावर वन बाय टू। अब इसको अपन ऊपर लेके जाए सबसे पहले, क्यों, क्योंकि अपने पास x की पावर n होती है, तो अपन इसको x की पावर माइनस वन बाई टू डीएक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ऐसी कंडीशन पे अब आपके पास क्या होगा, जो भी पावर है उस पावर में एक पावर ऐड करो और तो उसी टोटल पावर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, प्लस सी लगा दो। अब ये माइनस का हाफ प्लस का वन, तब आप लोगों के पास यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा x की पावर वन बाई टू, और नीचे भी कितना बचेगा, वन बाई टू प्लस सी। अब देखो अब अपॉन में भी अपॉन, तो टू किधर की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ, तो ये कितना जाएगा, टू एक्स की पावर वन बाई टू, ऊपर आ गया ना, और x की पावर 1 बाई टू प्लस सी हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप एक बार और करिए, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। आप इंटीग्रेशन करिए 1 अपॉन में x स्क्वायर dx का, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर से लिखेंगे x की पावर माइनस टू डी एक्स, आई बस में, फिर अब आप क्या करेंगे, सर जो भी पावर है उसमें एड करो और टोटल पावर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और साथ में प्लस क्या लगा दो, सी। तो यहां पे कितना बचेगा, एक्स की पावर माइनस वन, नीचे भी माइनस वन, प्लस सी, माइनस वन को आगे लिख दो, तो आपके पास आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस सी आ जाएगा। आई नहीं बात समझा आप सभी को, देखो जल्दी से, ठीक आगे बढ़े थोड़ा सा अपन, देखो एक बार पहले इसको जल्दी से, नेक्स्ट देखना आप, नेक्स्ट देखो, अगर मैं बहुत ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन करता हूं 1 अपॉन dx का, तो ऐसी कंडीशन पे क्या हुआ, x की पावर माइनस वन डीएक्स हो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि सर जो भी पावर है उसमें एक पावर ऐड करो और माइनस वन प्लस वन करो, तो आपके पास यहां पर x की पावर नीचे कितना हो गया आपके पास, जीरो, तो ये तो एकदम इनफाइनाइट हो गया। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, तो आप सबको पता है, या तो अपन जब d अपॉन में dx करते थे किसका, log x का, तो आप लोगों के पास वैल्यू कितनी होती थी, 1 अपॉन में x होती थी कि नहीं होती थी? तो फैक्ट अपन तो अब उल्टे चल रहे ना, तो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, देखना आप लोग सेकंड बेसिक फॉर्मूला, सेकंड बेसिक फॉर्मूला आप क्या करेंगे, अब आप इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन x dx का, ठीक है ना, इंटीग्रेशन उल्टा चल रहा है अपन, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा dx का, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास ये निकल के आ जाएगा log x plus c। आई बात सुने, अब अपन कुछ डायरेक्ट, जैसे अपन लोगों ने डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट फॉर्मूले देखे थे, नहीं देखे थे, यहां पे भी अपन कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले देखते हैं। इसी तरीके से थर्ड देखना,
थर्ड बेसिक फॉर्मूला आप लोगों के पास है, अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर x dx का, e की पावर x dx का, तो वो आपके पास कैसे क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा, क्योंकि याद करो जब आप लोग डिफरेंशिएशन करते हैं e की पावर x का, तो e की पावर x आता था कि नहीं आता था, तो फैक्ट जब आप e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वापस क्या जाएगा, e की पावर x आ जाएगा, तो जाएगा e की पावर x प्लस c। इसी तरीके से अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर a x dx का, तो आप लोगों के पास यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर a x अपॉन में a, e की पावर a x अपॉन में a प्लस c। आगे बात समझ में आप सभी को ठीक। इसी तरीके से अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं किसका, साइन ओमेगा टी का, या ओमेगा एक्स साइन एक्स लिख लेते हैं तो अपन ठीक है ना, अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं किसका, साइन एक्स का, साइन एक्स डीएक्स, तो अब आपके पास जो वैल्यू यहां पर आएगी वो आएगी माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। अगली बात में इसी तरीके से अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं किसका, कॉस एक्स का, इंटीग्रेशन करता हूं किसका, कॉस एक्स का, तो वो वैल्यू आएगी आप लोगों के पास साइन एक्स प्लस सी। आप याद करो जब अपन लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो साइन एक्स होता था प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स होता था कितना, माइनस का साइन एक्स, यहां पर उल्टा हो गया, यहां पर अपन इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स का, तो कितना जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा ठीक। और अगर आप कॉस एक्स का करोगे तो आप लोगों के पास कितना जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा ठीक। इसी तरीके से याद करो जब आप टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो वो होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो अपन यहां पर इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का ठीक। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन एक्स प्लस सी, क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अभी अपन क्या कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए मेरे को प्लस सी लगाना पड़ रहा है बेटा ठीक। उसी तरीके से अगर मैं sec x tan x करता हूं, sec x tan x करता हूं, तो इसका वैल्यू आप लोगों के पास कितना आएगा, sec x प्लस सी आ जाएगा। आई नहीं बस समझ में आप सभी को ठीक। देखो जल्दी से एक बार इसको ठीक है ना, इधर वाला रख देता हूं मैं। इसी तरीके से अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे किसका, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी आएगी माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। इसी तरीके से अगर आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे किसका, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी आएगी माइनस का कॉसेक एक्स प्लस। ये सारी वैल्यूज आप लोगों के पास आ जाएंगी। आई बात समझ में आप सभी को, तो इस तरीके से अपन इस पे क्या करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम आपको डायरेक्ट याद रखने पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं ठीक। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहां पे थोड़ा सा एक बार और देख लो, जैसे अपन लोगों ने बात करी थी कि मैं इंटीग्रेशन करता हूं e की पावर a x dx का, तो फैक्ट है सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, e का, तो e का तो एज इट इज e की पावर a x ही रहेगा। अभी बस में e का तो कितना रहेगा, e की पावर a x ही रहेगा, लेकिन अब जो इंटीग्रेशन होता है वो एक ही बार होता है, वो साफ मना कर देता है कि मैं दो दो बार इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, तो उसने e का इंटीग्रेशन कर दिया और वो क्या एज इट इज e की पावर a x ही रहेगा। अभी तो कौन बच गया, a x बच गया, तो ऐसी कंडीशन पर इंटीग्रेशन है तो मना कर देते मैं दोबारा इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, तो अब a x गुस्सा हो गया, तो अपन क्या करेंगे कि जो अपॉन में जो ए एक्स बचा है, इस ए एक्स का अपन क्या कर देंगे, नीचे ले जाके डी अपॉन में डी एक्स कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो जैसे डिफरेंशिएशन किसको देखेगा, कांस्टेंट को, इधर निकाल देगा बाहर निकाल देगा, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स, ए तो बाहर आ गया, नीचे कितना बचा डी एक्स अपॉन में डी एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, वन, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, e की पावर ए एक्स अपॉन में a। आई बस समझ में। चलो एक और एग्जांपल देखना, अगर मैं इस तरीके से करता हूं साइन ओमेगा टी डी टी, क्योंकि टी आगे से डी टी लिखूंगा, अब इंटीग्रेशन केवल एक ही बार होगा, अब उस इंटीग्रेशन में सबसे पहले किसको पकड़ लिया, साइन को, तो साइन का कितना जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी, साइन को पकड़ लिया और साइन का इंटीग्रेशन कितना जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी, अभी तो कौन बच गया, ओमेगा टी बच गया, तो फिर अपन ओमेगा टी को नीचे ले जाके क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो अब यहां पे टी, इसलिए यहां पे टी लिखूंगा, अब ओमेगा निकल के किधर आ जाएगा,
बाहर, तो आपके पास हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन में कितना हो जाएगा ओमेगा डीटी अपॉन में डीटी, और डीटी अपॉन में डीटी कितना जाएगा आपके पास वन। तो ऐसी कंडीशन पे आपके पास आंसर कितना जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। आई नहीं बात समझ आप सभी को, देखो जल्दी से इसको एक बार। ठीक है, अब अपन यहां पे क्या बात कर रहे हैं बार बार में कि जो इंटीग्रेशन है वो इनवर्स प्रोसेस है किसका डिफरेंशिएशन का। आई बस में, और अपन ये बात भी करिए, देखना बाबू में ये समझ में आ गया ना आप लोगों को, तो देखना बाबू। और अभी अपन ने ये बात भी करी थी कि अगर सपोज आप लोगों के पास y इक्वल टू एफ एक्स है तो अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पर अपन आसानी से डी वाई अपॉन में डीएक्स करते हैं, और डी अपॉन में अगर डीएक्स करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा डी अपॉन में डीएक्स, और ये कितना जाएगा आपके पास एफ एक्स। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपन ने मान लिया कि कितना आ गया एफ डैश एक्स, इसको आप एफ डैश एक्स भी बोल सकते हो, एफ प्राइम एक्स भी बोल सकते हो, इसको प्राइम प्राइम ठीक है ना, एफ डैश एक्स या फिर एफ प्राइम एक्स भी आप लोग इसको बोल सकते हो। तो आप अपने पास यहाँ पे डी बाय अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया एफ डैश एक्स आ गया। अब ये d अपॉन में dx क्या होता है डिफरेंशिएशन, d अपॉन में dx क्या होता है डिफरेंशिएशन। अगर मैं x को इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना जाएगा dy इक्वल टू f डैश x dx हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, अब मैं आपको ध्यान देना ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब जब भी समाकलन वर्ड है ना कि दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों मतलब दोनों साइड पर इंटीग्रेशन करने का मतलब, तो आपको काय का साइन लगा देना, इंटीग्रेशन का साइन लगा देना ऐसे। आई नहीं बस समझे, तो आपको ध्यान से देखना यहां पे वन है ना वन, यहां पे तो इंटीग्रेशन डीवाई आगे डाले तो यहां पे मैं वन मान लेता हूं वन, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा देखना, मैं वन को वाई की पावर जीरो डीवाई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन क्या होता है, जो भी पावर है उसमें एक पावर एड करो, टोटल पावर से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो जीरो प्लस वन अपॉन में जीरो प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू, अब एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा वापस उल्टा चलना है तो एफ एक्स हो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये तो जाएगा आपके पास एफ एक्स प्लस क्या लिखूंगा सी। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे वाई की पावर कितना हो गया वन, नीचे भी वन है तो वाई लिखते जाए और ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। तो अपन क्या देखते हैं कि अगर आप कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करोगे और कोई नया फंक्शन आएगा और अगर उस नए फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो वापस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा पहले वाला फंक्शन आ जाएगा। एक एग्जांपल करके देखते हैं अपन बेटा इसमें है ना, देखना आप लोग। एक एग्जांपल करके देखते हैं अपन, जैसे सपोज आप लोगों को दे दिया वाई इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू, कोई भी एक इक्वेशन दे दी। अब आप देखना इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इट इज डी वाई अपॉन में डी एक्स करते हैं, यहां पे कितना जाएगा डी अपॉन में डी एक्स किसका फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू का। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करूंगा फाइव एक्स स्क्वायर का, अब बहुत ध्यान से देखना डायरेक्ट कर रहा हूं फाइव निकल के आगे आ जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट को अवकलन लेता हूं किधर फेंक देता है बाहर, अब किसका करूंगा एक्स स्क्वायर का, तो जो भी पावर है जो भी घात है आगे आ जाएगी, टोटल पावर में से एक पावर माइनस हो जाएगी। आई बात समझ गया सभी को, और प्लस फिर किसका डिफरेंशिएशन करूंगा टू का, कितना हो जाएगा जीरो। तो आपके पास डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना आया टेन एक्स आया कि नहीं, वो तो जीरो हो गया ना। अब आप बहुत ध्यान से देखना इसको जब मल्टीप्लाई करो तो जाएगा डी वाई इक्वल टू टेन एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर दे इंटीग्रेशन कर दे कि नहीं कर दे, अब यहां पर वापस वन है वन मतलब वाई की पावर जीरो ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे आपके पास जब इंटीग्रेशन करोगे dy का तो आपके पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा y, और साथ में आप देखना 10 10 तो निकल के बाहर आ जाएगा तो 10 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करोगे x dx का यहां पे पावर कितनी है 1 ठीक है ना, पावर कितनी है 1, तो आपके पास कितना जाएगा 10। अब जो भी पावर है उसमें एक पावर एड करो, टोटल पावर से क्या कर दो डिवाइड कर दो और साथ में प्लस सी लगा दो, तो आपके पास यहां पर कितना जाएगा वाई इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी,
अब ये कितने टाइम चला जाएगा, 5 टाइम, तो y इक्वल टू कितना हो गया 5x स्क्वायर प्लस c, और c क्या है आपके पास, c तो आपके पास कोई भी कांस्टेंट है ना, और देख लो यहाँ पे 2 भी तो कांस्टेंट ही है, तो देख लो बिल्कुल एज इट इज वैसी की वैसी इक्वेशन आ गई। आई नहीं बात समझ आप सभी को, और इसीलिए बोलते हैं कि इंटीग्रेशन एक तरीके से डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, लेकिन ऑपरेशन है, इट मीन्स प्रतिलोम संकारक है। आई नहीं बात समझ आप सबको, देखो जल्दी से इसको एक बार, ठीक है बेटा। अब अपन एग्जांपल करते हैं इसके, ठीक है। अब तो आपको सिंपल याद रखना है कि इंटीग्रेशन में अपन को ऐड करना होता है और डिफरेंशिएशन में अपन को क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है। अब आप देखना, आपके पास दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यू प्लस 5x माइनस का 5x प्लस 2। आई बात सुनना आप सभी को, ठीक। अब आप एक चीज और इधर देख लेना थोड़ा सा ध्यान से, अगर मेरे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन है dx, इंटीग्रेशन है dx, मैं बिना किसी टेंशन को इसका क्या है, क्योंकि x है इसलिए मैं यहाँ पे x प्लस c लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है dy तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, y प्लस c लिखता। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है dt तो मैं क्या लिखता यहाँ पे t प्लस c। क्यों लिख रहा हूँ आपको पता है ना, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है, टी की पावर 0। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, जो भी पावर है आपको उसमें एक ऐड कर दो और टोटल पावर से क्या कर दो, डिवाइड करके प्लस c लिख दो। बहुत ध्यान से सुनना बेटा ये, ठीक है ना, एक बार बता रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा t प्लस c हो जाएगा। तो अगर इंटीग्रेशन के साथ dx होता है तो x प्लस c, इंटीग्रेशन के साथ dy होता है तो y प्लस c, इंटीग्रेशन के साथ dt होता है तो t प्लस c। आई बात समझ में, चलो अब आप देखना, अपन इंटीग्रेशन करते हैं किसका, इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर 5 प्लस x की माइनस का 5x प्लस 2। अब x इसलिए यहां पे क्या लगाऊंगा, dx, ठीक। अब मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन किसका करूंगा, x की पावर 5 dx प्लस x क्यू dx माइनस इंटीग्रेशन 5x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx करूंगा। अरे बस में, तो अब x की पावर 5 का करूंगा तो जो भी पावर है उसमें एक पावर ऐड करो, टोटल पावर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 5 प्लस 1 अपॉन में कितना जाएगा, 5 प्लस 1, यहां पे कितना जाएगा, x की पावर 4 प्लस सॉरी x 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 5 निकल के बाहर आ जाएगा, और x की पावर कितनी है 1, तो यहां पे कितना जाएगा, जो भी पावर है उसमें एक पावर ऐड करो, टोटल पावर यहां पर कितना जाएगा आपके पास, 2 निकल के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। अगली बार सुनने, तो आप बहुत ध्यान से देखना, यहां पर कितना जाएगा, x की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 5 x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कितना जाएगा यहां पे 2, और यहां पे कितना जाएगा x। अब ये सब क्या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए यहां पे क्या लगा दूंगा लास्ट में, सबके साथ प्लस c लगा दूंगा। आई बात समझ में आप सभी को, देखो जल्दी से इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना आप सब। अब अपन इंटीग्रेशन करते हैं किसका, डायरेक्ट लिखता हूं 5x³ प्लस 4 अपॉन में x² माइनस का साइन एक्स, और साथ में क्या लग जाएगा यहां पे dx। अगली बस में, तो अपन यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 5x³ dx प्लस इसको भी ले जाओ उसको भी अंदर ले जाओ, तो 4 अपॉन में x² dx माइनस इंटीग्रेशन करेंगे इसका sin x dx का। अगली बस समझा सभी को, तो ऐसी कंडीशन पे तो 5 निकल के बाहर आ गया जाएगा, वो आप इंटीग्रेशन करोगे किसका, x³ dx प्लस 4 निकल के बाहर आ जाएगा और ये ऊपर लेके जाओ तो -2 dx माइनस यहां पर साइन एक्स डी एक्स। अगली बात समझ में, तो आपको ध्यान से देखना, अब अपन को क्या करना है, जो भी पावर है उसमें एक पावर ऐड करनी है, टोटल पावर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, प्लस यहां पर जाएगा 4, जो भी पावर उसमें एक पावर ऐड कर देनी है और टोटल पावर से डिवाइड कर देना है, माइनस, ठीक ना, और साइन एक्स का कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, ठीक। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 x की पावर 4 अपॉन में 4, अब यहां पर माइनस 1 बचेगा, माइनस को आगे लेके जाओ तो माइनस 4, और यहां पर माइनस 1 नीचे जाके प्लस,
वन हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस आंसर आ जाएगा आपको रूट के पास कॉस एक्स। देखो जल्दी से एक बार, और साथ में क्या लगाना है, प्लस सी। प्लस सी क्यों? क्योंकि ये अभी अपन ने इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं लगा रखी है, अपन अभी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा। ठीक, नेक्स्ट देखना आप लोग, हो गया ये पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखना आप, अब अपन जो इंटीग्रेशन करते हैं, अब अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब आपके पास दे रखा है इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर x प्लस 5 अपॉन में x प्लस e की पावर x। अगली बस में तो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 5 अपॉन में x प्लस e की पावर x dx। तो अब सबसे पहले मुझे किसका इंटीग्रेशन करना है, इसका, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब याद तो मैंने आपको बताया sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपके पास tan x प्लस c होता है, ठीक। तो फैक्टर यहां पे sec स्क्वायर x का कितना जाएगा आप लोगों के पास tan x प्लस, अब किसका इंटीग्रेशन करूंगा 5 अपॉन में x, तो 5 तो निकल के बाहर आ जाएगा ना, 5 निकल के बाहर आ जाएगा तो 1 अपॉन में x dx बचा, और 1 अपॉन में x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है आप लोगों के पास log x होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा log x, ठीक है ना। प्लस सी इसके साथ चल रहा है, प्लस सी इसके साथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर प्लस, और e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x प्लस, अब देखो अब यहां पे e की पावर x dx का कितना आ जाएगा, e की पावर x और कोई भी कांस्टेंट, अभी सारे कांस्टेंट में बार बार में नहीं लिखता हूं, अब फैक्टर इन सारे कांस्टेंट को अगर मैं जोड़ूंगा तो एक कांस्टेंट ही आएगा, और बाद में उसको एक साथ देखूंगा तो कांस्टेंट आपके पास कितना है, सी। तो बार बार में हर किसी इसके साथ टेन एक्स प्लस सी, फाइव लॉग एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स प्लस सी, बार बार मत लिखो, ठीक है ना, एक साथ बाद में अपन लिखेंगे कि वो कॉन्स्टेंट आपके पास कितना आया, सी आया। आइए एक बात समझा सभी को, देखो जल्दी से एक बार इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखना आप लोग, अब आपके पास इंटीग्रेशन है sec x tan x माइनस 5 अपॉन में x की पावर 4 माइनस cos x dx। अरे बस में तो आप देखना इसको कैसे करेंगे, वही sec x tan x dx माइनस 5 अपॉन में x की पावर 4 dx माइनस इंटीग्रेशन cos x dx। तो आपके पास यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, याद करो sec x tan x का जब अपन इंटीग्रेशन करते तो आप लोगों के पास क्या होता है, वो sec x होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। माइनस 5 निकल के आ गया जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे किसका, माइनस 4 dx का माइनस, और cos x का आप लोगों के पास कितना हो जाता है, cos x का आप लोगों के पास हो जाता है sin x। तो आपके पास यहां पे कितना हो जाएगा इस तरीके से sec x माइनस 5, अब जो भी पावर है उसमें ऐड करो, टोटल पावर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, माइनस का यहां पे कितना जाएगा साइन एक्स, और प्लस का लगा दूंगा सी। तो ऐसी कंडीशन पर आप लोगों के पास ये कितना जाएगा sec x माइनस माइनस 3 आएगा यहां पे माइनस 3, तो माइनस को तो आगे निकाल लो प्लस, तो इधर बचेगा 5 अपॉन में 3 x की पावर माइनस 3, और माइनस का कितना जाएगा साइन एक्स, और साथ में क्या लगा दो प्लस सी लगा दो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। अपन इतने सारे क्वेश्चन इसलिए कर देता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट हो, ठीक है ना, तो आप लोग मेरे से डिस्कस करेंगे बेटा इस चीज को लेके, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग, अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैंने यहां पे क्या करा था, मैंने यहां पे इंटीग्रेशन करा था sec स्क्वायर x dx का, और मैंने कितना लिख दिया यहां पे tan x, और एक मैंने इंटीग्रेशन करा है sec x tan x dx, और इसका इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया sec x प्लस c, और यहां पे tan x प्लस c। पहले ये देखो आपको सर से समझ में आएगी एक बार, ठीक है। तो आपके मन में आता है क्या सर अपन tan x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, वो ध्यान से देखना,
क्या अपन tan x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे तो है नहीं tan x का तो कोई भी डायरेक्ट, तो अपन को किस तरीके से करेंगे, अब नहीं है लेकिन दे दिया तो सॉल्व तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से देखना बेटा आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करना आप इसको। अब देखो tan x को मैं क्या लिख सकता हूं, tan x को मैं लिख सकता हूं sin x अपॉन में cos x dx। अब आप देखो आपको sin x का इंटीग्रेशन दे रखा है, ठीक है ना, आपको sin x का इंटीग्रेशन दे रखा है, cos x का इंटीग्रेशन दे रखा है, लेकिन वन अपॉन में cos x का इंटीग्रेशन नहीं दे रखा। इसको मैं ऐसे लिखूं, देखना आप लोग, sin x into 1 upon में cos x dx। अब आपको देखो इंटीग्रेशन sin x का पता है, लेकिन आपको क्या 1 upon में cos x का इंटीग्रेशन पता है क्या? नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, मैं यहां पे क्या करूंगा, जो cos x है ना उसको किसके इक्वल मार्क कंसीडर कर लूंगा, लाइक माना cos x इक्वल टू आपके पास कितना है t, cos x इक्वल टू आप लोगों के पास कितना है t, तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे t और यहां पे x है, तो मैं यहां पे dt अपॉन में dx कर दूं ना, तो dt अपॉन में dx, dt अपॉन में dx इक्वल टू sin cos x का कितना जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहां से dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt इक्वल टू जाएगा आपके पास माइनस का sin x dx हो जाएगा। अगले बस में तो आप लोगों के पास यहां पे इस माइनस को लेके जाओ, तो माइनस dt इक्वल टू कितना जाएगा sin x dx हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करा, देखो sin x और dx सब मल्टीप्लाई में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, sin x dx की जगह मैंने कितना लिख दिया sin x dx की जगह क्या लिख सकता हूं माइनस का dt, तो यहां पे तो लिख दिया मैंने माइनस का dt अपॉन। अब देखो cos x मैंने किसके इक्वल माना है, cos x मैंने माना है किसके इक्वल, t के इक्वल, तो ये हो गया t, तो अब माइनस तो निकल के बाहर आ जाएगा, अब अपन इंटीग्रेशन करेंगे dt अपॉन में t, इसको इसे लिख देते हैं 1 अपॉन में t into dt, और ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, अभी आप लोग करके आए कि 1 अपॉन x dx करता हूं, 1 अपॉन x dx करता हूं, तो इसका वैल्यू आप लोगों के पास कितना होता है, log x plus c होता है कि नहीं होता है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा आप लोगों के पास माइनस टी प्लस सी हो जाएगा। अगले बस में अब t की वैल्यू रख, तो t की तो आपको पता है cos x है, तो आपके पास आंसर कितना जाएगा माइनस का log, ठीक है ना, सॉरी बेटा, ठीक है ना, तो log e और t की जगह कितना गया cos x और साथ में कितना जाएगा c, तो जब अपन tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास ये आएगा, बहुत ध्यान से देखो बेटा इसको एक बार, बहुत ध्यान से देखना इसको एक बार, ठीक है, नेक्स्ट देखना आप लोग, एक और करते हैं इसी तरीके का, जिसमें आप लोगों को ऐसा कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तो देखना आप लोग, देखना आप लोग, मैं इंटीग्रेशन करता हूं इसका log x अपॉन में x dx का, ठीक है ना, log x अपॉन में x dx का, अब आप देखना इसको ऐसे लिख देता हूं, एक बार इसको लिख देता हूं 1 अपॉन x log x dx, और आपके पास 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन तो है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन पता तो होता है क्या होता है, ठीक है ना, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है, क्या log x का इंटीग्रेशन पढ़ा क्या अपन ने, नहीं पढ़ा, होता ही नहीं, तो वैसी कंडीशन पे अपन क्या करेंगे, वापस लेट माना t इक्वल टू कितना ले लें, log e x ले लो, अब यहां पे t है यहां पर x है, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं dt अपॉन में dx कर दूं, तो dt अपॉन में dx करूंगा तो t की वैल्यू रख दो, तो अब dt अपॉन में dx, तो यहां पर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1 अपॉन x, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास dt इक्वल टू इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो 1 upon x into dx को क्या कीजिएगा, तो मैं dt equal to 1 upon x dx हो गया ना, तो देखो 1 upon x dx, 1 upon x dx इसको किसके इक्वल रख सकता हूं, dt के इक्वल रख सकता हूं, तो ये तो हो गया dt, और log ex किसके इक्वल है, log ex किसके इक्वल है, t के इक्वल है, तो ये इंटीग्रेशन हो गया t dt का, और यहां पे पावर कितनी है 1, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, कैसे करोगे, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करो टोटल पावर से डिवाइड करके प्लस से लिख दो, तो आपके पास ये कितना हो गया t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c हो गया कि नहीं हो गया,
अब टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में टू प्लस सी हो जाएगा। आई नहीं बस में, देखो जल्दी से इसको बेटा, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड अपन। एक और देखते हैं क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का। देखना आप लोग, अब मैं यहां पे इंटीग्रेशन करता हूं किसका, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर ई की पावर वन अपॉन एक्स डीएक्स का, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर ई की पावर वन अपॉन एक्स डीएक्स। तो ऐसी कंडीशन रहा, बहुत ध्यान से देखना। मैंने यहां पे क्या करा, टी इक्वल टू लेट माना टी इक्वल टू वन अपॉन एक्स ले लिया, ठीक। तो मैं आप यहां पे क्या कर लेता हूं, डी टी अपॉन में डीएक्स करता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या करेंगे, d अपॉन में dt और x को ऊपर जाके माइनस वन करेंगे कि नहीं करेंगे, और फिर x, ठीक है ना। अब माइनस वन का कैसे करोगे, तो dt अपॉन में dx इक्वल टू जो भी पावर है आगे आ जाएगी, और टोटल पावर में से एक पावर माइनस कर दोगे, तो आपके पास ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास dt अपॉन में dx इक्वल टू माइनस वन अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो और माइनस को इधर ले जाएगा, तो माइनस का डी टी इक्वल टू कितना जाएगा, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखना आप लोग, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स को कितना ले सकता हूं, माइनस का डी टी, ये हो गया माइनस का डी टी, और ई ई तो वैसा वैसे ही, और वन अपॉन एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, टी लिख सकता हूं। तो आपके पास माइनस को बाहर डाल दो, ये जाएगा माइनस ई की पावर टी डी टी हो जाएगा। अब आप सबको पता था कि माइनस, अब e की पावर t तो e की पावर t होता है ना, प्लस सी लगा दो, तो अब माइनस e की पावर और t की जगह आपके पास कितना जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस सी। ये सॉल्व कर बेटा, आई बात समझ में, देखो एक बार इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन इटमीन निश्चित समाकलन से एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप लोगों को दे दिया इंटीग्रेशन, दे दिया एक्स स्क्वायर डीएक्स, क्या दे दिया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स, और लिमिट फिक्स कर दी टू से लेके थ्री। अगली बात सुनने, तो यहां पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इसको आसे क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, अपर लिमिट। अब इंटीग्रेशन क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ये बोलता है कि जो भी पावर है उसमें एक ऐड करो, टोटल पावर से डिवाइड कर दो, और यहां पर हो जाएगा टू से थ्री। तो आपके पास ये कितना जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में थ्री टू से थ्री। अब अपन सबसे पहले कौन सी लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा थ्री क्यूब अपॉन में थ्री माइनस, फिर माइनस लगा के कौन सी रखोगे, लोअर लिमिट टू क्यूब अपॉन में थ्री। अरे बात सुन, तो आप देखिए एक थ्री से यहाँ पे एक थ्री तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों जाएगा नाइन माइनस, और यहाँ पे कितना जाएगा आप लोगों के पास एट अपॉन में थ्री। अब इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना जाएगा थ्री, ट्वेंटी सेवन माइनस एट, तो आप लोगों के पास इसका वैल्यू कितना जाएगा नाइन अपॉन में थ्री। अब देखो एक्सैक्ट वैल्यू आ रहा है, डेफिनेट वैल्यू आ रहा है, निश्चित मान रहा है, क्या मुझे यहाँ पे प्लस से लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि तो चेंज हुआ ही ना। आई बात समझ में आप सभी को। इसी तरीके से अगर मेरे को एक और दे दे इस तरीके का एक एग्जांपल और देखना, मेरे को दे दिया जीरो से पाई बाई टू कॉस एक्स डीएक्स। अब आपको पता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स होता है कि नहीं होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू। तो सबसे पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, ऊपर वाली, तो एक्स साइन पाई बाई टू माइनस, फिर कौन सी रखेंगे नीचे वाली साइन जीरो, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है वन, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो आप लोगों के पास आंसर कितना आ जाएगा वन। तो इस तरीके से इससे ज्यादा अपन अभी नहीं टिपिकल पे बात नहीं करेंगे, इतना काफी अपन लोगों के, अपने फिजिक्स में इतना ही काम आना है, ठीक। तो इस तरीके से अपन डेफिनेट इट मीन निश्चित समाकलन पे क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। आई बात समझे आप सभी को, देखो जल्दी से बेटा इसको।